ये देखिए, ये है हरा भरा कबाब। आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम बाइट्स एंड दिस इज मी अंजुम सिस्टम। टुडे आई विल बी शोइंग यू हाउ टू कुक वेजिटेबल कबाब्स व्हिच इज लव्ड बाय एवरी इंडियन एंड दैट इज हरा भरा कबाब। एंड यू वांट टू नो हाउ आई कुक? बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप तेल, 1 कप बारीक कटा धनिया, 1 कप बारीक कटा प्याज, बारीक कटा शिमला मिर्च, 1/2 चम्मच मिर्ची, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 कप बीन्स, 1 कप मैदा, 1 कप मटर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 कप बॉयल मैश पोटैटोस, पिसी हुई पालक, अदरक, लहसुन 1-1 चम्मच, 1/2 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 4 से 5 काजू, भुना हुआ जीरा, नमक और अमचूर। यहाँ मैंने पालक ली है जिसको मैंने उबाल कर ठंडा करके पीस लिया है। अब एक पैन लेंगे जिसे हम गरम करके उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। उसी के साथ हम डालेंगे बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी अदरक 1-1 चम्मच। हल्का सा भूनेंगे इसको और भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप मटर। ये देखिए भून चुका है। अब इसमें डालेंगे मटर, शिमला मिर्च, बीन्स और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक इसमें से मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता। ये देखिए इसको 5 से 7 मिनट चलाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें से सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है और सब्जियां भी भून चुकी हैं। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। इसी के साथ हम इसी भी पालक भी डाल देंगे। और इसको ब्लेंडर में हम अच्छी तरह महीन ब्लेंड कर देंगे इस तरह। ये देखिए कितना अच्छा ब्लेंड हो चुका है। अब कबाब के लिए हम तेल गरम कर लेंगे। तेल को अच्छा गरम करना है तेज आंच पर। अब एक बाउल में हम सारा मसाला ट्रांसफर कर देंगे जो हमने मिक्सी में पीस के रखा था। इसी के साथ डालेंगे बॉयल मैश पोटैटोस, प्याज, धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, 2 चम्मच मैदा। अगर आपको मिक्स करते हुए बैटर ढीला लगे तो उसमें आप मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। ये डाला मैंने ब्रेड क्रम्स, हल्दी 1/2 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स के बाद अब सबसे लास्ट में हम नमक डालेंगे। नमक हमने तब डालना है जब हमने कबाब बनाने हैं, नहीं तो पानी छोड़ देगा मसाला। अब हथेली पे तेल लगा के कबाब के बैटर को एक पोर्शन हाथ में लेंगे, उसको अब हम राउंड शेप देंगे इस तरह, और इसको हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह ऊपर से और नीचे से कोट कर लेंगे दोनों तरफ से। इसको हल्का सा टैप करेंगे और इसके बीच में लगाएंगे हम काजू। इसी तरह हम बाकी कबाब्स को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम बिल्कुल गर्म तेल में तलेंगे। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब बीच में से फटने का डर रहता है। तेल को अच्छा गर्म करना है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए पलटने के बाद ये बन के बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने अपनी सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट के लिए मैंने एक प्लेट में साइड में अनियन रिंग्स रखे हैं, साथ ही मैं रख रही हूँ मिंट सॉस। इसके साथ रखेंगे हम हरा भरा कबाब। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में।
इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम चाट मसाला और इट्स रेडी टू सर्व हॉट। आप भी घर में जरूर बनाइए हरा भरा कबाब। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट टू माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।